हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो अगेन मैं आज आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट होती है कि मैं आप लोगों के साथ अपने रूटीन ब्लॉग शेयर किया करूँ। ऑल डे पूरी वीक की मेरी सेम रूटीन ही होती है, उसमें कोई इतना चेंज नहीं होता। पर वीक के फर्स्ट फोर डेज मंडे टू थर्सडे मेरे बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, क्योंकि उसमें मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा हार्ड होती है। हाथ की स्कूल की रूटीन इतनी ज़्यादा है, क्योंकि उसको पिक एंड ड्रॉप करना है, उसको स्कूल के लिए रेडी करना है, उसका लंच प्रिपेयर करना है, मतलब इतने सारे काम होते हैं जो साथ साथ मेरे चल रहे होते हैं। और बस तो थोड़ा से बिजी मेरे ये फोर डेज होते हैं। यहाँ पर मैं आहत के लिए लंच रेडी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं जब सुबह उठती हूँ तो नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं आहत का लंच रेडी करती हूँ। लंच रेडी करने के बाद ही मैं आहत को उठाती हूँ, ताकि वो फिर फ्रेश होकर तो अपना ब्रेकफास्ट कर ले, फिर मैं उसको स्कूल ड्रॉप करूं। अभी ये सोचना पड़ता है कि आहत को मैं लंच पर क्या दूं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। वेल तो मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट सोचती रहती हूँ, रात को मैं पूरा डिसाइड कर लेती हूँ कि मैंने उसको सुबह लंच में देना क्या है। मेरे पास ये वैफल कट फ्राइज पड़े हुए थे, सीजनिंग फ्राइज हैं, ये काफ़ी अच्छे और मज़े के होते हैं, तो मैं ना साथ में इनको एयर फ्राई करूँगी। और मेरे पास ये ब्रेड रोल्स पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इनको ना पिज़्ज़ा ब्रेड्स रेडी कर देती हूँ। तो इसके ऊपर मैंने सबसे पहले जो है ना पिज़्ज़ा सॉस थोड़ी सी लगा दी थी, तो उसके ऊपर मैं बस चीज़ ऐड कर दूंगी और मैं कुछ नहीं डालूंगी। लेकिन अगर आपके बच्चे वेजीज़ वगैरह या चिकन वगैरह खाते हैं ना, तो आप इसके ऊपर वो भी ऐड कर सकते हैं। आप बर्गर्स ले लें, अगर आपके पास वो जो सेसमी सीड्स वाले बर्गर्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर भी आप अगर थोड़ी सी सॉस लगा के चीज़ ऐड कर देना, तो बहुत मज़े की पिज़्ज़ा प्लेट्स बनती हैं। तो ये इनको सब चीज़ों का मैं एयर फ्राई कर लूँगी। एयर फ्राई में ना सिर्फ 15 मिनट्स में ये सारी चीज़ें अच्छे से बेक हो जाती हैं। और यहाँ पर मेरे पास कुछ कुकीज़ पड़े हुए थे, तो मैंने कुकीज़ ऐड कर दी है। जब भी मैं आहत को कुछ ना कुछ लंच में सेवरी देती हूँ, साथ ही साथ मैं कुछ डिज़र्ट में भी ऐड कर देती हूँ। और डिज़र्ट्स वो बहुत शौक से खा लेते हैं, जो सेवरी आइटम्स होती हैं ना, वो सारी की सारी घर वापस ही आती हैं। लंच रेडी हो गया था, मैं इसको पैक कर दूंगी। और जब मैं किचन में आई थी ना, तो बाहर इतना डार्क था, आपने वीडियो के स्टार्ट पे देखा होगा, बिल्कुल ही डार्क था। लेकिन अभी देखें कितनी सुबह हो गई है और बाहर सनलाइट होना शुरू हो गया, थोड़ी थोड़ी सी अब सनलाइट हो रही है। और बाहर का इस टाइम का जो व्यू है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून है ना। बाहर कोई शोर नहीं होता सिवाय बर्ड्स की आवाज़ों के, इतनी अच्छी आवाज़ें आती ना बर्ड्स के इस टाइम पे। और घर में भी मेरे शोर नहीं था, तो इसलिए ना ये वक्त होता है जिसमें आप अपने आप को टाइम दे सकते हैं, सुकून से बैठ सकते हैं। लेकिन मेरे पास उतना टाइम ही नहीं होता कि मैं बैठ कर अपने आप को थोड़ा टाइम भी दे दूँ। अभी मैं जा रही थी आहत को उठाने के लिए, आहत को उठाया ताकि वो रेडी हो जाए। और उसके यहाँ पे ड्रेस मैंने रात को आयरन करके रख देती हूँ, तो अभी बस मैं उसको उठाऊँगी और बस उसको रेडी करूँगी। इसके अलावा मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी, जो कि लास्ट वीडियोज़ के रिलेटेड थी, कि आप लोग मुझसे लिंक पूछ रहे थे मेरी क्रॉकरीज, जो आप लोगों ने रिसेंटली मेरी सारी वीडियोज़ में देखी है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है। स्पेशली जो वुडन ट्रे विद फोर सिरामिक बाउल्स वाला जो एक सेट था, वो सब ने बहुत ज़्यादा मुझे DM भी किए हैं, उसके इतने सारे मुझे कमेंट्स आए थे कि वो मैंने कहाँ से लिया है, मैं उसका लिंक आपको दे दूँ। अच्छा, मैंने वो लिया था वॉलमार्ट से, जो कि वॉलमार्ट में अभी तो अवेलेबल नहीं है। और बाकी जितनी मेरी क्रॉकरी होती है वो होम गुड से होती है या होम सेंस से मैं लेती हूँ, लेकिन ये सारी जो चीज़ें ना ऑनलाइन वो सेल नहीं करते हैं। तो मैं अमेज़ोन पे फाइंड कर रही थी कि अगर अमेज़ोन से मुझे मिलती है तो उसके लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि अमेज़ोन से यूजली हर चीज़ मिल जाती है, और अगर ना भी हो ना तो सिमिलर कोई ना कोई उससे मिलती जुलती चीज़ मिल जाती है। मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए अमेज़ोन पर सारी चीज़ों को फाइंड की है बहुत टाइम लगा कर, और थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे मिली हैं उनके मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए हुए हैं, अगर आपने लेने हैं तो वहाँ पर लिंक्स आप देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएं आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे इन मल्टीविटामिन्स पे जो मैं आहत को ये देती हूँ, ये है पिकी ईटर मल्टीविटामिन्स रेंजो के, ये बहुत अच्छे विटामिन्स हैं, अगर आपने ऑर्डर करने हैं इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं दे रही हूँ, आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर लें। अगर आपका बच्चा अंडर 2 to 4 ईयर्स है तो उसको आपने सिर्फ हाफ टेबलेट देनी है, और अगर आपका बच्चा 4 से अबव है या 5 ईयर का है तो उसको आपने 2 टैबलेट सर्व करनी है। तो मैं भी आहत को जब अंडर 4 था तो मैं हाफ टेबलेट देती थी, अब मैं उसको 2 टैबलेट्स देती हूँ।
और अभी मैं बस जा रही थी आहद को ड्रॉप करने के लिए। आहद नहीं सुबह उठते, बस यही सीरियल ही खाने होते हैं। कभी कभार उसका मूड हो, कभी एग ब्रेड वगैरह कोई चीज़ खाने को तो वो खा लेता है, वरना सीरियल खा के ही वो स्कूल चला जाता है। और मैं साथ में दुआ को भी लेके आती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने भी जॉब पर जाना होता है, तो इसलिए फिर दुआ मेरे साथ ही आ जाती है। सुबह के टाइम बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी होती है, क्योंकि इस टाइम सबकी जॉब्स का टाइम भी होता है और बच्चों के स्कूल का टाइम होता है और स्कूल बसेस इतनी ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए बाहर इतना ट्रैफिक होती है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है सुबह मॉर्निंग में। तो आज को मैंने स्कूल ड्रॉप की है और मैं बस ना जल्दी से जो है ना घर वापस आ गई थी। इस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा ना भूख लग रही होती है, तो इस टाइम मैं सोच रही थी कि अपने लिए बना लेती हूँ एवोकाडो टोस्ट। और मुझे ना एवोकाडो टोस्ट बहुत अच्छा लगता है। एवोकाडो टोस्ट आई होप के डिश है, और मैं जब भी आई होप ब्रेकफास्ट के लिए जाती हूँ ना, तो एवोकाडो टोस्ट ऑर्डर करती हूँ, पर वहाँ से ना ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है। वेल, हम डेली तो वहाँ पर जाके नहीं खा सकते, इसलिए मैं सोचती हूँ उसको घर में ही बना लिया करूँ। और ये बहुत ईजी है, बहुत क्विकली बन जाता है और बहुत हेल्दी भी ब्रेकफास्ट होता है। और काफ़ी ज़्यादा एवोकाडोस ला के ना घर में रख लेती हूँ, तो इनको क्योंकि सॉफ्ट होते पर थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए ना मेरे पास अब ये एक लास्ट पीस बचा हुआ था, तो मैंने कहा अब चलो इसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इसका सबसे पहले स्प्रेड रेडी करती हूँ, बस इसको मैश कर लेना है, तो बहुत स्मूथ सा स्प्रेड बनता है इसका। और ब्रेड के लिए ना मैं ये करती हूँ कि ब्रेड को मैं टोस्ट कर लेती हूँ एयर फ्रायर में, बहुत क्रिस्पी हो जाती हैं ब्रेड इसमें, और जितनी क्रिस्पी ब्रेड होगी ना उसके ऊपर एवोकाडो को स्प्रेड लगा के ज़्यादा मज़ा आता है खाने का। फ्राई कर लूँगी, फ्राई करने के लिए मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, और मैं प्रेफर करती हूँ कि ब्रेकफास्ट में जो है ना देसी घी का ही यूज़ हो, लेकिन अगर मेरे पास कभी कभार बना नहीं होता, मतलब मैं हर टाइम तो नहीं देसी घी बना के घर में रखती, कभी कभार नहीं भी होता तो मैं बटर यूज़ कर लेती हूँ। एग को ना यहाँ पे मैं फुली कुक करूँगी, और मुझे ना हाफ जो कुक एग है ना मुझसे नहीं खाया जाता, लेकिन मैं इसको हाफ फ्राई की तरह ही कुक करती हूँ। तो ये देखिए ये ब्रेड कितनी मज़े की और क्रिस्पी हो गई है। तो बस इसके ऊपर मैंने जो है ना एवोकाडो स्प्रेड लगाया है, और इसके ऊपर बस मैं एग रख दूंगी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर इसके ऊपर मैं ऐड करूंगी, और उसके ऊपर जो है ना बेगल सीजनिंग करूंगी। बेगल सीजनिंग के साथ इतना मज़े का एवोकाडो टोस्ट लगता है, और ये आप किसी के ऊपर भी सीजनिंग करके खाएंगे ना, इसका फ्लेवर इतना अच्छा है, इसमें इतने ज़्यादा सीड्स हैं ना, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो ये हो गया मेरा आई होप वाला ब्रेकफास्ट रेडी। तो बस मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, और साथ ही बस मैंने दुआ का भी ब्रेकफास्ट कराया। किचन में थोड़े बहुत ब्रेकफास्ट के बर्तन पड़े हुए थे, उनको मैंने वॉश कर दिया था। यहाँ पे दुआ को मैं कर रही थी रेडी, और हम जा रहे थे आहद को पिक करने के लिए। आहद को पिक किया तो मुझे ना ये रिटर्न कराना था मेरा चॉपर, जो कि मैं लेकर आई लास्ट वीक। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इतना बुरा ये चॉपर है, तो मैंने कहा इसको रिटर्न करा देती हूँ, फ़ायदा इसका कोई नहीं मेरा, मुझे इसको रख के मिलना, तो जाके रिटर्न करा दूँगी। और आप लोगों को सारी क्रॉकरी भी दिखाऊँगी, कहाँ से मैं क्रॉकरी लेती हूँ। और साथ ही साथ मैंने सोचा आप लोगों को होम गुड्स का टूर भी करा देती हूँ। यहाँ पर जितने भी क्रॉकरी है ना आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, ये इसी शॉप पे मिलेगी, यहीं से आके बस परचेज़ करनी होती है। और इस तरह की चीज़ें अमेज़ॉन पे अवेलेबल होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी नहीं होती लेकिन सिमिलर आपको मिल जाती हैं। आप लोग मुझसे केटल का पूछ रहे थे, जो मेरी स्टॉप के ऊपर केटल है वो मैंने कहाँ से ली, वो भी मैंने यहीं से ली हुई है। और यहाँ पे बहुत सारी कैटल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल जाती हैं, और ये इतने सारे यहाँ पे जार्स हैं होम गुड्स, यहाँ पे होम सेंस, ये यहाँ के ऐसे स्टोर्स हैं कि यहाँ पर आपको होम एसेंशियल की सब चीज़ें मिल जाती हैं, ए टू जेड घर का जितना भी सामान है आपको मिल जाता है, किचन की चीज़ें मिल जाती हैं, बाथरूम के लिए मिल जाती हैं, लिविंग एरियाज़ के लिए आपको डेकोरेशन के लिए कुछ चाहिए आप सब कुछ मिल जाता है, रूम्स की डेकोरेशन के लिए आपको हर चीज़ मिल जाती है, फर्नीचर यहाँ से आपको अच्छा मिल जाता है। और क्रॉकरी में तो इतनी सारी यहाँ पे वैरायटी है, डेकोरेशंस भी इतनी वैरायटी है, तो मैं यहाँ की जो चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं लेकिन अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। इसको हम जो रील्स पे देखते हैं ना कितने सारे ट्रेंडिंग क्रॉकरीज वहाँ पर दिखाई जाती हैं, आपको वो हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है, तो इतना आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप USA में रहते हैं ना तो आपको यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। मुझे ये चाहिए था फ्लावर सिफ्टर, और ये मुझे यहाँ से मिल गया था, क्योंकि बच्चों के लिए जब मैं बेकिंग करती हूँ या केक्स वगैरह बनाती तो मुझे फ्लावर के लिए ना ये बहुत ज़रूरत थी, तो आज मुझे मिल गया। जो चीज़ें रिटर्न करानी है उसकी जगह यही आ जाएगा। और यहाँ पर ना हर तरह के कंटेनर्स हैं, जार्स हैं, बाथरूम के लिए जितनी भी क्लीनिंग का जो स्टफ़ है वो सब कुछ अवेलेबल होता है। कि रिटर्न पॉलिसीज भी अच्छी होती हैं, 30 डेज़ तक आपके पास टाइम होता है, आपने 30 डेज़ के अंडर आपके अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप रिटर्न भी करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें देख रही थी कि अगर मुझे रमज़ान के लिए कुछ चाहिए होगा तो मैं आगे यहाँ से देख लूँगी, तो वेल मुझे अभी किसी चीज़ की खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं डेकोरेशंस भी देख रही थी, मुझे घर के लिए भी डेकोरेशंस भी चाहिए,
तो वो भी मैं देखती रहती हूँ, अगर मुझे कोई ये चीज़ अच्छी लगती है तो मैं एक या दो परचेज कर लेती हूँ। यहाँ पर आपको जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, इस तरह से आपने इनको यहाँ से उठाना है और साथ ले जाना है। इसके लिए अगर आपके पास ट्रक हो या बड़ी गाड़ी है ना आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। आप आए ऐसे उठा के ले जाए, यहाँ पर आपको पैक कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर ऐसे जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर आए ऐसे उठा के तो उसको ले जाएँ, बस परचेज करना होता है। बाकी जो इनके वेयर हाउसेज है ना वो कोई इतने नहीं होते यहाँ पर कि आपको सब कुछ चीज़ें पैक मिलेंगी। यहाँ पे जो है ना ये पिंस आपको इतनी इतनी वैरायटी पे पिंस मिल जाएंगी, और घर की स्टोरेज के लिए, आपकी कैबिनेट्स के लिए, आपकी क्लासेट्स के लिए, आपको जिस तरह की भी चीज़ें चाहिए ना सब कुछ मिल जाता है। सिर्फ यहाँ से नहीं, आपको वॉलमार्ट से, टारगेट से, यहाँ पे इतने सारे स्टोर्स हैं, सब ये हर चीज़ अवेलेबल होती है। मुझे ना ये वाले जो पॉट्स ना इतने अच्छे लग रहे थे गोल्डन, पर मैंने जब इनकी प्राइस देखी ना तो मैं हैरान रह गई कि इसमें इतना खास क्या लगाव है। ये स्टील के पॉट्स हैं, मतलब ठीक है इनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये $200 की, सिर्फ ये एक पॉट $200 का था, एंड मैं तो देख के हैरान हो गई थी। अच्छा, ये ब्लैक पॉट्स मैंने यहीं से भी लिए हुए हैं जो आप मेरे देखते हैं, मैं यूज़ भी कर रही हूँ, और ये अच्छे प्राइस में आपको मिल जाते हैं। मुझे ये वाला ना कंटेनर बहुत अच्छा लग रहा था, कंपार्टमेंट वाला। मैं सोच रही थी कि रमज़ान के लिए यहाँ से आके ना ये वाला ले जाऊँ, क्योंकि इसमें फ्रूट्स वगैरह मैं रख सकती हूँ फ्रिज में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये केक स्टैंड, ये देखें यहाँ, ये थोड़ा सा ना बस आपको सेल पे मिल जाएगा, कितना $3-4 ऑफ लगाया हुआ है, तो खैर ये थोड़ा सा आपको कम प्राइस पे मिल जाता है। ये देखिए कितने सारे स्टैंड्स हैं। अब आपको किचन में मेरे जो काउंटर टॉप पे चीज़ें नज़र आती हैं ना, वो भी मैंने सारी यहाँ से ली हुई है, जितनी भी डेकोरेशंस होती हैं यहीं से मैं लेके जाती हूँ। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ की दिखाई हैं। अब मैं आपको लिंक्स यहाँ के नहीं दे सकती हूँ, लेकिन अगर अब मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं उनकी लिंक्स आपको अमेज़ॉन से दे दिया करूँ, आप अमेज़ॉन पे सिमिलर चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, मिलती जुलती आपको मिल जाएंगी। और मैं अभी घर आ गई थी, इससे पहले मैं ना मिराज में गई थी, तो वहाँ पर वहाँ की वीडियो मैंने शूट नहीं की, तो वहाँ पे मुझे ना ये सर्विंग ट्रेस मिली थी विद स्टैंड, और इतना अच्छा ये मुझे सेट लग रहा था, बहुत रिजनेबल प्राइस में मिला था, 11.99 का मुझे मिल गया था, तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। मैं इसको ओपन करके चेक कर रही थी कि इसको सारा चेक कर लूँ कि ये कहीं से ख़राब तो नहीं है, और सिर्फ वहाँ पर 3 पीस पड़े हुए थे इसके, तो मैंने घर आते पहले इसको चेक कर लिया। मैं हमेशा आते हुए सब चीज़ें चेक कर लेती हूँ, और काफ़ी अच्छा ये स्टैंड है, क्योंकि इसके ऊपर आप डिज़र्ट्स को और जितने भी कोई आपके घर में पार्टी है या कोई फंक्शन है तो आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो इसके ऊपर आप चीज़ें सर्व कर सकते हैं। जी स्टैंड बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पास पहले डिज़र्ट स्टैंड थे, 3 टायर वाला था, लेकिन मेरे पास 2 टायर नहीं था, तो मुझे आज पर अब वो मिल गया था। तो इस तरह से ना मैं कलेक्शंस इकट्ठी करती रहती हूँ, मेरे पास काफ़ी चीज़ें जो है ना अब इकट्ठी होती जा रही हैं, तो मैं नीचे अपनी ना स्टोर भी करती रहती हूँ, तो सब कुछ मैं बाहर नहीं रख सकती, जब कोई गेस्ट आता तो ही मैं निकालती हूँ। इसके अलावा मुझे मिला था ये 2 पीस बाथ रग सेट, ये भी बहुत अच्छी प्राइस में मिल गया, मैंने ये भी ले लिया था। ये था आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन व्लॉग, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हुए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो बस इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, और अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।